प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक से 6 पदक लेकर लौटे भारतीय दल से गुरुवार को अपने आवास पर मुलाकात की और इस दौरान इतिहास रचने वाले निशानेबाज मनु भाकर ने उन्हें अपनी वह पिस्टल दिखाई जिससे उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। पेरिस ओलंपिक खेलों में लगातार 2रा कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को एक स्टिक भेंट किए जिस पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने वाले पीआर शिरजेश और कप्तान हरमनप्रीत सिंह सभी हॉकी खिलाड़ियों ने मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान खिलाड़ियों ने गले में अपने कांस्य पदक लटका रखे थे। स्वतंत्रता के बाद किसी एक ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी मनु को प्रधानमंत्री को उस पिस्टल के बारे में बताते हुए देखा गया जिससे उन्होंने पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीते थे। मनु के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले सर्बजोत सिंह और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक हासिल करने वाले स्वप्निल कुसाले ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। सचिव पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यू। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को सपने को संकल्प को सिद्ध कर सकता है, कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है।